Python programmers, आज हम लोग अपने वीडियो में एक डिजिटल क्लॉक बनाने वाले यूजिंग पाइथन। ओके, हम लोग एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाएंगे। सो बता रहे हैं, मैं शुरू करता हूँ वीडियो। पहले मैं आउटपुट दिखा देता हूँ आप लोगों को कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला है, कैसा क्लॉक हम लोग बनाने वाले हैं। सो गाइस देख लीजिए, हम लोग ऐसा एक डिजिटल क्लॉक बनाने वाले हैं हमारे आज के वीडियो में यूजिंग टिकिंटर। ओके, तो बता रहे टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो मैं इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड को चुनता हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी आईडी या टेक्स्ट एडिटर को चूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सिंपली एक न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल लेके और मैं नाम लिख दूंगा इसका डिजिटल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, और इसके एक्सटेंशन को चेंज करके रख दूंगा .py। आप लोग सिंपली एक पाइथन फाइल ओपन कीजिए विद एनी आईडी। आप लोग आइडियली यूज कर रहे हो यूज कीजिए, पाईचार्म करना कीजिए, जो करना करिए आप लोगों से। तो मैंने इसको विद VS कोड मैंने इसको ओपन कर दिया। और गाइज इस वीडियो में हम लोग को चार मॉड्यूल रिक्वायर्ड है इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, जिनमें से तीन मॉड्यूल आप लोग को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आप लोग के पाइथन के साथ ही आता है जब आप लोग पाइथन इंस्टॉल करते हैं, जो कि है टिकिंटर, डेट टाइम एंड टाइम मॉड्यूल। ओके, और इसके अलावा एक मॉड्यूल है जो आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है पिलो। तो पिलो मॉड्यूल को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा अपना टर्मिनल खोल के। यहाँ से आप लोग अगर VS कोड में यहाँ से टर्मिनल खोलिए, अगर आप लोग कहीं और पे हैं जिस भी आईडी में है वहाँ पे टर्मिनल ओपन कीजिए, या फिर CMD ओपन कर लीजिए और वहाँ पे आप लोग लिख दीजिए pip install pillow। ओके, ये मैं लिख के बताया था pip install pillow। जैसे आप लोग ये लिखेंगे आप लोग का जो पिलो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके, और जैसे इंस्टॉल हो जाते हैं फिर आ जाइए वापस इस वीडियो में और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं, हमारा एक विंडो क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग टिकिंटर मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं फिर टिकिंटर मॉड्यूल से कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करूँगा फ्रॉम टिकिंटर इम्पोर्ट। सबसे पहला चीज़ जो मैं इम्पोर्ट करूँगा HTK। TK हमारा ऑब्जेक्ट है जिससे हम लोग दिस हमारा जो विंडो है रूट विंडो उसे क्रिएट करते हैं। मैं सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ रूट, उसको इक्वल करूंगा TK से, और देन आई विल राइट रूट डॉट मेन लूप। और इतने से फंक्शन ने हमारा क्या किया, इतने से कोड ने कुछ नहीं किया, सिंपली हमारा जो एक विंडो है हमारे किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए जो यूजर इंटरफेस है वो हमें प्रोवाइड कर दिया। मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो देखिए हमारा जो एक विंडो है एक सिंपली विंडो एक क्रिएट हो चुका है हमारा। ओके, इसका नाम जो है TK है, टाइटल आप लोग देख रहे हैं, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो करना है सब कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो विंडो क्रिएट हो चुका है हमारा यहाँ पे। तो उसके बाद करते हैं क्या, हम लोग अपने विंडो को टाइटल देना है, साइज देना है, जो करना सब कर सकते हैं, तो वो सब कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, कि मैं रूट डॉट टाइटल करेंगे हम लोग फॉर गिविंग द टाइटल ऑफ दिस विंडो टाइटल, और इसके अंदर आप लोग जो भी टाइटल देना आप लोग दे दीजिए। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डिजिटल क्लॉक, और साथ ही में मैं एक साइज प्रोवाइड कर देता हूँ अपने विंडो का कि रूट डॉट मिनिमम साइज जो होगा मिनिमम साइज हम लोग देखिए विद इक्वल्स कोई भी रैंडम विद दे दीजिए। मैं ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर रहा हूँ इसके लिए। विद इक्वल्स 550 ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा 400 एंड हाइट इक्वल्स 100, देखते हैं अप्रोप्रिएट साइज लेता है कि नहीं हमारा विंडो। एक बार रन करके देखता हूँ, ऐसा इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, इतना जो साइज है। ओके, ये हो जाएगा। मैं थोड़ी हाइट को थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, 200 कर देता हूँ इसको। ओके, दैट्स इट। तो हमारा जो विंडो है वो क्रिएट हो चुका है, हमारा टाइटल आ चुका है डिजिटल क्लॉक, और ठीक है। उसके बाद शुरू करते हैं हम अपना लॉजिक बिल्डिंग कि हम लोग करंट टाइम कैसे लेते हैं, जो हमारा डेट है वो सब कैसे लिया जाता है। हमारे डिजिटल क्लॉक में आप लोग ने देखा होगा कि जो डेट था और टाइम विथ आर मिनट एंड सेकेंड फॉर्मेट में जो था उस हम लोग उसको शो करवा रहे थे एक डिजिटल क्लॉक में। तो हम लोग नॉर्मली जो करंट टाइम होता है हमारा हमारे पीसी में जो टाइम फिलहाल शो कर रहा है, जैसे मेरे पीसी में यहाँ पे 10:44 शो कर रहा है यहाँ पे लोकल टाइम, एंड 16/7/2020 है आज की डेट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम लोग जो करंट टाइम है हमारा, टाइम को हम लोग डिस्प्ले करवाने के लिए पाइथन में क्या करते हैं, हम लोग टाइम मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट टाइम मॉड्यूल को पूरा इम्पोर्ट ना करते हुए मैं टाइम मॉड्यूल से सिर्फ strf टाइम को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। और strf टाइम क्या करता है, strf टाइम आप लोग को किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आप लोग को टाइम दे देता है। टाइम दे देता है स्पेसिफिक फॉर्मेट का मतलब क्या है कि आप लोग को किस फॉर्मेट में चाहिए, इन द सेंस
आप लोग को आर मिनट, सिर्फ आर और मिनट चाहिए, या फिर आर मिनट और सेकंड चाहिए, या सिर्फ आर चाहिए, या फिर आप लोग को आर मिनट सेकंड के बीच में कोलोन चाहिए, उनके बीच में डैश चाहिए या डॉट चाहिए, जो चाहिए आप लोग इसको दे सकते हैं, आप लोग को उसी फॉर्मेट में मिल जाएगा ये। तो ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग में एक वैल्यू लेता है, तो एस टी आर एफ टाइम में आप, और जैसे मुझे चाहिए आर मिनट एंड सेकेंड, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं उनको परसेंटेज आर और उसके बीच में मुझे कोलोन चाहिए, एंड देन परसेंटेज एम, अगेन वन कोलोन एंड परसेंटेज एस। तो ये क्या करेगा, मुझे आर मिनट और सेकंड में जो हमारा करंट टाइम है वो दे देगा, जैसे मैंने किया, देखिए इसने दे दिया 10:45 एंड 58 सेकंड्स पे, जो करंट टाइम है मेरा देखिए यहाँ पे 10:46 हो चुका है, तो 2 सेकंड पहले इसने दिया मेरे को, तो मैं इस चीज को एक और बार अगर रन करूँ तो इस बार मेरे को 10:46 मिल जाएगा। ओके देखिए 10:46 एंड 10 सेकंड्स मुझे मिल गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या लेते हैं, जो करंट टाइम है हमारा वो हम लोग लेते हैं। तो डेट के लिए मैं बाद में बताता हूँ, मैं पहले हम लोग टाइम को लेकर डील कर लेते हैं। तो हमारा जो टाइम है उसे हम लोग शो करवा लेते हैं हमारे यूजर इंटरफेस में, जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मैं आप लोग को बताया था कि अगर हमारे दिस, अगर आप लोग टिकिंडर में नए हैं तो आप लोग को नहीं पता होगा कि टिकिंडर के विंडो में कुछ भी हमें अगर लिखना होता है वहाँ पे, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। ओके कुछ भी हमें टेक्स्ट शो करना है, या फिर कोई इमेज शो करना है, कोई डिजाइन शो करवाना है, कुछ भी, तो वो कैसे करते हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लेबल नाम का फंक्शन यूज करते हैं। मैं यहाँ पे टिकिंटर से लेबल भी इंपोर्ट करूंगा। तो लेबल क्या करता है, हमें इमेजेस या टेक्स्ट या कुछ भी जो है हमें अपने विंडो में लिखने की परमिशन दे, लिख छापने की परमिशन देता है। लेबल जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं, जैसे टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल्स जो भी आप लोग लिखवाना चाहते हैं अपने जीयूआई विंडो में, जैसे मैं लिखूंगा माई जीयूआई विंडो, तो ये क्या करेगा, ये वहां पे छाप देगा कि अपने विंडो में कि ये मेरा जी यू आई विंडो है, माई जी यू आई विंडो। लेकिन मैंने ये लिखा, ये अगर मैं इसे रन करूँ मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलने वाले, देखिए। ओके तो मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला यहाँ पे, क्यों नहीं मिला, क्योंकि जब भी हम लोग लेबल से डील करते हैं, लेबल से, बटन से, या किसी भी चीज़ से हम लोग टिकिंटर में डील करते हैं, तो उसके बाद हम लोग को उस चीज़ के लिए एक अप्रोप्रिएट पोजिशन हमें उसे प्रोवाइड करनी पड़ती है, या तो सिंपली हम लोग पैक कर देते हैं उसको। पैक करने में क्या होता है कि पैक करने से वो सिंपली अपने अकॉर्डिंग जो पोजीशन उसे चाहिए वो ले लेता है, बेस्ड ऑन कि हमने उसको दिया कहाँ पे। मतलब कि जैसे मैंने अगर यहाँ पे डॉट पैक का मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, और अब मैं इसको रन किया, तो देखिए इसने माई जी यू आई विंडो यहाँ पे जो है यहाँ पे शो कर रहा है। फिर सिंपली अगर माई, मैंने यहाँ पे पैक किया, मैंने पैक करवाने का मतलब किया, मैंने जो बोला, अगर मैं एक और लेबल यहाँ पे यूज करूँ और यहाँ पे लिखूँ माई सेकेंड जी यू आई विंडो, और दोनों चीज को मैंने पैक करवाई, इस चीज को मैंने एक बार रन किया, तो देखिए इसने माई सेकेंड जी आई विंडो जो है इसके नीचे मुझे प्लेस कर दिया। ओके तो वैसे जैसे 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 मैं और लाइन यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा, ये सिंपली इसके नीचे नीचे ऐड करता जाएगा। अगर हम लोग पैक करवाते हैं, पैक करवाने में क्या होता है, ये अपने अकॉर्डिंग कोई भी अप्रोप्रिएट जो पोजिशन है वो ले लेता है। ओके पैक करवाने का ये है कि हमें उसे बोलना नहीं पड़ता तुम्हें कहाँ ये प्लेस करवाना है, तुम अपने आप जहां तुम्हें जगह मिलती है वहां चल जाओ। उसके बाद अगर हम लोग इसको ग्रेड भी करवा सकते हैं, ग्रेड का मतलब क्या होता है, जैसे एम एस एक्सेल होता है हमारा, एम एस एक्सेल में हमारे पास कुछ ग्रिड्स रहते हैं, कुछ रेक्टेंगल्स रहते हैं जिनकी इंडेक्सेस रहती है, तो यहाँ पे भी ग्रिड में सेम होता है। ग्रिड दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम जो कि दोनों 0 से शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसे रो इक्वल 0 एंड कॉलम इक्वल 0 दे दूं, तो देखिए ये जो है एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चला गया कि ये रो 0 एंड कॉलम 0 में पहुंच गया है। ओके और सिंपली अगर मैं यहाँ पे कॉलम इक्वल्स 1 दे दूँ तो थोड़ा राइट में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन मैं अगर फिलहाल यहाँ पे कॉलम इक्वल्स 1 दूँ तो देखिए ये जहाँ था वही रहेगा, ये कुछ नहीं चेंज हुआ इसका। क्यों, क्योंकि कॉलम इक्वल 0 जो प्लेस है वो खाली है, तो ग्रिड तब तक अच्छे से काम नहीं करता जब तक उसके पहले वाले जो प्लेसेज है वो भरे हुए नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम इक्वल्स 1 दिया, लेकिन फिर भी इसने मुझे कॉलम इक्वल 0 में ही शो करवाया, जस्ट बिकॉज कॉलम इक्वल्स 0 जो है वो खाली है, कॉलम इक्वल 0 में कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज, एक और लाइन यहाँ दे दूँ और इसको मैं दूँ कॉलम इक्वल 0, और यहाँ मैं लिखूँ माई सेकेंड जी यू आई विंडो, ओके तो ये क्या होगा, कॉलम इक्वल 0 में ये शो करवा देगा माई सेकेंड जी यू आई विंडो, एंड कॉलम इक्वल 1 में शो करवाएगा माई जी यू आई विंडो। तो देखिए इसने पहले शो किया माई सेकेंड जी यू आई विंडो एंड देन माई जी यू आई विंडो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि हमने कौन सा आर्ग्यूमेंट कहाँ दिया था। देखिए जैसे मैंने जो माई सेकेंड जी यू आई विंडो है वो मैंने बाद में लिखा है, हमारे 8th लाइन में लिखा है, और जो 7th लाइन में है माई जी यू आई विंडो, लेकिन माई जी यू आई विंडो जो है ये दूसरे नंबर पर आया है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमने पैक नहीं किया है इसको, हमने ग्रिड किया है। ग्रिड करने का क्या फायदा होता है, आप लोग जहाँ कहीं भी लिखे प्रोग्राम में ऊपर नीचे जो भी लाइन्स लिखे आप लोग उसको बता सकते हैं कि कौन से पोजिशन पे आप लोग को
ये इसे शो करवाना है तो आप लोग उस पोजीशन पे शो करवा सकते हैं। और एक और बात, अगर आप लोग ने एक जगह ग्रिड यूज कर लिया है तो आप लोग दूसरी जगह सेम चीज को पैक नहीं कर सकते, या फिर पहले पैक कर लिया तो बाद में ग्रिड नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर यहाँ पे पैक करूँ, इसको पैक करने की ट्राई करूँ तो मुझे एक एरर दे देगा, ओके, कि हम लोग या तो पैक यूज कर सकते हैं या तो ग्रिड यूज कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं। तो देखिए इसने क्या बोला, कैन नॉट यूज ज्योमेट्री मैनेजर पैक इन साइड विच ऑलरेडी हैज स्लेव्स मैनेज्ड बाई ग्रिड। जिसके पास ऑलरेडी स्लेव्स है जो कि मैनेज हो रहे हैं ग्रिड द्वारा, तो वहां हम लोग पैक यूज नहीं कर सकते। तो पैक और ग्रिड को आप लोग एक साथ कहीं यूज नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई मुझे पैक और ग्रिड दोनों ही यूज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पैक और ग्रिड से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन रह जाता है, एक होता है प्लेस। प्लेस क्या करता है, ये हमें सिंपली एक्स और वाई वैल्यूज लेता है, कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, बेसिकली जो हमारा मैथ्स में होता है कार्टेशियन प्लेन में। तो सिंपली आप लोग को वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट देने, और उसके अकॉर्डिंग ये उसे जहाँ जगह मिलेगी ले लेगा। ग्रिड भी ऐसा करता है, लेकिन ग्रिड क्या करता है, उसके पहले जो खाली, उसके पहले वाला जो जगह है, उससे पहले जो जगह है वो अगर भरी हुई नहीं हो तो उसे वो खुद फिलअप कर देता है, ओके। अगर वो जगह भरी हुई नहीं हो, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया था कॉलम इक्वल्स वन मैंने दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसने कॉलम इक्वल जीरो में ही शो किया था हमारी जीयूआई विंडो, जस्ट बिकॉज कॉलम इक्वल जीरो जो है वो जगह खाली थी। और जब मैंने कॉलम इक्वल जीरो में भी कुछ ना कुछ प्लेस करवा दिया, उस केस में इसने माई जीयूआई विंडो को कॉलम इक्वल वन में शो किया, ओके। लेकिन प्लेस ऐसा नहीं करता है, प्लेस को हम लोग जो कहे ये वहीं पे शो करवाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लेबल एक और बार लिखा, और मैं पे टेक्स्ट लिखूंगा यहाँ पे हेलो, ओके, और यहाँ पे मैंने लिखा डॉट प्लेस। तो प्लेस दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, एक्स और वाई। मैं एक्स इक्वल दे दूंगा 100, वाई इक्वल्स दे दूंगा 100, ओके। तो देखिए ये कहाँ प्लेस किया इसने, देखिए इसने हेलो यहाँ पे प्लेस कर दिया। मैं सिंपली अगर वाई को थोड़ा सा कम करूँ यहाँ पे 50, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ये, ओके। देखिए तो थोड़ा ऊपर आ चुका है। मैं अगर एक्स को कम कर दूँ 10 कर दूँ, ये एकदम लेफ्ट साइड में चल जाएगा पूरा, देखिए जा चुका है। तो प्लेस जो है मेरे को बेस्ट लगता है, इससे आप लोग जहाँ मनचाहे वहाँ पे आप लोग शो करवा सकते हैं अपने चीजों को, ओके। तो इतनी बातें हमने कर ली। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को टाइम शो करना है। तो सबसे पहले एक और चीज हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे, क्या था, फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट एसटीआरएफ टाइम। मैं यहाँ पे फुल मॉड्यूल्स को क्यों नहीं इम्पोर्ट कर रहा हूँ, या फिर एक मॉड्यूल में से फ्रॉम सम मॉड्यूल इम्पोर्ट स्टार क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उससे प्रोग्राम की एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। जब आप लोग सब चीज को यूज नहीं करने वाले हैं तो आप लोग को उन सारी चीजों को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम टिकेंटर इम्पोर्ट स्टार कर दूं तो मुझे यहाँ पे बार बार अलग से टीके लेबल वगैरह बार बार नहीं करना पड़ेगा, ओके। बार बार मतलब मुझे वहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा एक और बार। जैसे मेरे को अगर यहाँ पे एक और बटन प्लेस करना है मेरे को इस पोजिशन पे, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कॉमा दे के बटन। लेकिन अगर आप लोग इन सब की जगह ओके सिंपली स्टार लिख देते तो क्या होगा, उस मॉड्यूल के अंदर जितने क्लासेस ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस जो भी है वो सारे एक साथ इंपोर्ट कर लेगा, ओके। लेकिन उससे प्रोग्राम की एफिशिएंसी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने देखा था कि हम लोग को जो करंट टाइम है हमारा वो कैसे शो करते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइम को डिस्प्ले करवाने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ टिक, ओके। टिक फंक्शन में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे टिक। एंड टिक फंक्शन जो है आर्ग्यूमेंट लेगा, क्या आर्ग्यूमेंट लेगा, कुछ भी नहीं, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं लेने वाला है, ओके। तो एक और बात मैं आप लोग को बताना भूल गया, मैं इसको बाद में बताता हूँ, ओके। जैसे हम लोग भी अगर मैं लेबल मैं यहाँ पे यूज करूँ, और लेबल मेरे को फिलहाल कोई टेक्स्ट इसे देना नहीं है, ओके। टेक्स्ट मुझे नहीं देना है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले एक लेबल डिफाइन करके रख दूँ और टेक्स्ट मुझे बाद में देना है इसे, क्योंकि टेक्स्ट बार बार मेरा जो चेंज होने वाला है, जो कि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। टेक्स्ट हमारा यहाँ पे हमारा टाइम होने वाला है, जो टाइम हर सेकंड बाद बाद चेंज होने वाला है। तो उसके लिए क्या करेंगे, के लिए हम लोग एक लेबल को पहले से डिफाइन करके रख देंगे, उसको हम लोग किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे मैंने दे दिया क्लॉक नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, क्लॉक इक्वल्स लेबल, और लेबल टेक्स्ट इक्वल्स मैंने कुछ नहीं दिया यहाँ पे, और मैंने क्लॉक को फिर क्या किया, पैक कर दिया एक जगह, ओके। या फिर प्लेस करेंगे बाद में हम लोग, मैं सिंपली यहाँ पे पैक करता हूँ पहले। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे कोई जो टेक्स्ट है वो इनपुट करवाना है, इसके अंदर कोई टेक्स्ट एंटर करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लॉक डॉट कॉन्फिग, क्लॉक डॉट कॉन्फिग, एंड कॉन्फिग के अंदर दे दूंगा टेक्स्ट इक्वल्स, जो भी आप लोग को टेक्स्ट देना है आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा क्लॉक जो वेरिएबल है वो एक लेबल क्रिएट कर देगा विद द टेक्स्ट, जो भी आप लोग टेक्स्ट यहाँ पे दे रहे हैं। तो
ये हमने क्लॉक नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर रख दिया, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम है हमारा वो देंगे। ओके, तो मैं अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, टिक नाम का वेरिएबल, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेने वाला ये। इसके अंदर मैं सिंपली पहले जो फंक्शन है फंक्शन का कोड लिखता हूँ, कोड लिखने के बाद मैं आप लोग को लॉजिक समझाऊंगा कि हमारा जो कोड है वो करने क्या वाला है। तो गाइज पेशेंस रखिए और देखिए मैं क्या कोड लिख रहा हूँ। ओके, टाइम वन इक्वल्स नन, टाइम वन नाम का एक सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैंने, एंड टाइम टू जो हमारा करंट टाइम होगा उसको मैं टाइम टू लिख रहा हूँ। ओके, टाइम टू इक्वल्स करंट टाइम को हम लोग कैसे लेते हैं, strf टाइम एंड विद स्ट्रिंग्स h m एंड s। ओके, सो उसके बाद मैं लिखूंगा इफ टाइम वन, टाइम वन इज नॉट इक्वल टू टाइम टू, क्या करो क्लॉक डॉट कॉन्फिग टेक्स्ट इक्वल्स टाइम टू, जो हमारा करंट टाइम है। ओके, क्लॉक डॉट कॉन्फिग टेक्स्ट इक्वल्स टाइम टू। सो गाइस अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया टेक, उसके बाद मैंने सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया टाइम वन नाम का, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है मतलब नन है वो, मेरे को सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन करना था उस। ओके, तो मैंने कर दिया। उसके बाद टाइम टू जो है वो हमारा करंट टाइम है। ओके, करंट टाइम मैंने डिफाइन किया कैसे, जैसे मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पे strf टाइम और उसका फॉर्मेट हम लोग दे देंगे तो हमारा हमको जो करंट टाइम है वहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो करंट टाइम हमने दे दिया इसको। तो उसके बाद हम लोग एक कंडीशन दे रहे हैं, इफ कंडीशन, कि अगर टाइम वन जो है वो टाइम टू के बराबर नहीं है, जो कि ऑफकोर्स बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टाइम वन जो है नन है एंड टाइम टू जो है वो हमारा करंट टाइम है, इसलिए वो बराबर तो नहीं होगा। बराबर नहीं होगा तो क्या करो क्लॉक डॉट कॉन्फिग, क्लॉक नाम का जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, दिस वेरिएबल, इसके अंदर जो टेक्स्ट है टेक्स्ट डाल दो, क्या टाइम टू जो हमारा करंट टाइम है उसको डाल दो, उसको डाल दोगे। और सिंपली मैं इस बार टिक फंक्शन को रन करूंगा, यहाँ पे कॉल करूंगा और एक बार हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम ठीक चल रहा है कि नहीं। तो देखिए मेरा जो ये टाइम है 10:57:43, जो जो जिस टाइम पे मैंने प्रोग्राम को रन किया उस टाइम पे 10:57:43 हो रहा था, तो इसने ये शो करवा दिया यहाँ पे। ओके, लेकिन ये 43 सेकेंड्स ये वो टाइम था जब मैंने प्रोग्राम को रन किया, जैसे मेरे यहाँ पे 10:58 हो चुका है, लेकिन इसने अब तक अपने जो अपना जो टाइम है इसको चेंज नहीं किया, जिस टाइम पे प्रोग्राम रन हुआ था उसी टाइम को यहाँ पे शो करवा दिया इसने। तो अब हमें ऐसा कुछ करना है कि जो हमारा टाइम है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहे, जैसे हमारा एक एक सेकंड बढ़े बढ़े आगे तो वैसे वैसे चेंज भी होता रहे। उससे पहले मैं क्या करूँगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा फॉन्ट को थोड़ा चेंज करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट था वो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया था, देखिए जो अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, कलर्स वगैरह भी चेंज करते हैं। चलिए वो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेबल के अंदर मैं दे दूंगा यहाँ पे फॉन्ट, और फॉन्ट इक्वल्स एक स्ट्रिंग बनाइए, स्ट्रिंग के अंदर आप लोग ये तीन वैल्यू देता है, तीन या जितनी चाहिए, फर्स्ट फॉन्ट जो आप लोग को फॉन्ट देना है, और उसके बाद फॉन्ट साइज एंड देन फॉन्ट स्टाइल, अगर आप लोग उसको कोई स्टाइल देना चाहते हैं मतलब बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ भी। ओके, तो मैं फॉन्ट इसको कौन सा दूँ, फॉन्ट में यहाँ पे देते हैं कॉमिक सेंस, दे कुछ भी दे दो यार, कॉमिक सेंस दे दो या ल्यूसीडा दे दो। ओके, ल्यूसीडा, एंड फॉन्ट साइज में इसको देना चाहूंगा अराउंड 25, और देखते हैं एक बार रन करके फॉन्ट कैसा आया। यस, फॉन्ट कुछ ज्यादा बड़ा आ गया, फॉन्ट इतना बड़ा नहीं चाहिए मेरे को, फॉन्ट थोड़ा सा 15 कर दो इसको और बोल्ड कर दो फॉन्ट को, तो बोल्ड कर देंगे इसको हम लोग, तो देखते हैं। ओके, परफेक्ट, और फॉन्ट के कलर को भी आप लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग BG और FG नाम की चीजों का यूज करते हैं, BG मतलब बैकग्राउंड, FG मतलब फोरग्राउंड। तो मैं यहाँ पे फोरग्राउंड चेंज करूंगा, फोरग्राउंड में रखूंगा यहाँ पर रेड कलर का फोरग्राउंड रखना चाहूंगा, जो हमारा टाइम है वो रेड कलर में शो करो। ओके, तो देखिए इसने रेड कलर में शो कर दिया, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे दिखने में, इसलिए मैंने उसको रेड रहने दिया। ओके, तो इसके बाद हम लोग को लिखना है वो लॉजिक जिससे हमारा जो टाइम है वो पर सेकेंड, एक एक सेकेंड बाद क्या होगा, चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे हमारा एक एक सेकंड बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लॉक जो हमारा वेरिएबल का नाम है डॉट आफ्टर। आफ्टर जो है ये दो वेरिएबल लेता है, दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, फर्स्ट जो है एम एस, एम एस का मतलब है मिली सेकेंड, और दूसरा है फंक्शन। तो
तो ये क्या करता है, आफ्टर मतलब बाद में, तो मिली सेकेंड्स मैं बोल रहा हूँ 1000 मिली सेकेंड में होते हैं 1 सेकेंड, तो 1000 एंड यहाँ पे फंक्शन में दूंगा इसको टिक। ये क्या करेगा, आफ्टर एवरी 1000 मिली सेकेंड्स, आफ्टर एवरी 1000 मिली सेकेंड का मतलब आफ्टर ईच सेकेंड टिक फंक्शन को दोबारा से रन करो। तो टिक फंक्शन अगर दोबारा से रन होगा तो क्या होगा, बेसिकली रिकर्शन हो रहा है, हर 1 सेकेंड के बाद बाद टिक फंक्शन को दोबारा रन करो, मतलब टिक फंक्शन दोबारा रन होगा तो हर बार क्लॉक डॉट कॉन्फ़िग का जो टाइम है, जो टाइम टू है, टाइम टू चेंज होता रहेगा, एंड दैट्स व्हाई क्लॉक में जो हमारा लेबल जो है, लेबल चेंज होता रहेगा, टाइम चेंज होता रहेगा। मैं इसको प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, तो देखिए इस बार हमारा जो प्रोग्राम है सेकेंड को टाइम टू टाइम क्या कर रहा है, सेकेंड इंक्रीज कर, जो हमारा नॉर्मल टाइम हो रहा है वो, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग 11:01 हो रहा है मेरे कंप्यूटर पे टाइम यहाँ पे, तो 11:01 इसने शो किया, और जो सेकेंड्स है हमारा, सेकेंड्स भी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ओके तो दिस, तो हमने ये लॉजिक तो लिख लिया है, आशा करता हूँ समझ भी आया होगा आप लोग को कि किस तरह आप लोग को टाइम जो है वो डिस्प्ले करवाना है अपने विंडो पे। उसके बाद डेट को हम लोग बाद में लाते हैं, सबसे पहले मैं जो हमारा दिस, जैसे मैंने दिखाया था आप लोग को वीडियो के शुरू में, जो हमारा आउटपुट था जहाँ पे एक पूरा का पूरा डिजिटल क्लॉक बना हुआ था, ओके, जो हमारा फ्रेम्स था बाहर के, फ्रेम्स हम लोग कैसे लाए, तो फ्रेम्स आप लोग को, क्योंकि मैं आप लोग से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग को टिक एंटर पूरी अच्छी तरीके से आते, इसलिए मैं फ्रेम्स को यूज ना करके टिक एंटर के, मैं सिंपली यहाँ पे कुछ फोटोज को यूज कर लूंगा। फोटोज को कैसे यूज करूंगा, मैंने सिंपली जो गूगल इमेजेस है, गूगल इमेजेस से ही कुछ फोटोज निकाली है, तो मैंने उस फोटो को हल्का सा एडिट वेडिट करके क्या किया है, रखा हुआ है यहाँ पे कंप्लीट क्लॉक, और ये जो फोटो है इस फोटो को मैं यूज कर लूंगा यहाँ पे। ओके तो इस फोटो को यूज करने में क्या है कि इसने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है डेट, मंथ, ईयर, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो टाइम है जो हम लोग शो करवा रहे हैं, हम लोग उसको इस पोर्शन में टाइम को शो करवा लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसके डेट को शो करवा लेंगे। ओके तो हो जाएगा, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे रखा था मैंने इसको, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ओके तो हो जाओ, ओके तो नाम इसका अनटाइटल डॉट पीएनजी है, तो मैं सिंपली अपना ये कोड फिर से ओपन करूंगा और मैं आप लोग को बताता हूँ अगर आप लोग को जीयूआई विंडो पे जो फोटोज है वो कैसे ब्लिट करवानी होती है, फोटोज कैसे शो करवानी होती है, तो उसके लिए हम लोग को पिलो मॉड्यूल का इस्तेमाल करना होता है। तो पिलो मॉड्यूल मैं आशा करता हूँ आप लोग ने इंस्टॉल कर लिया होगा, पिलो मॉड्यूल आप लोग को कैसे इंस्टॉल करना है, लाइक दिस, एक न्यू टर्मिनल खोलता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, प्लस, ओके तो टर्मिनल खोलिए, यहाँ पे लिखिए यहाँ पे पिप इंस्टॉल पिलो, ओके पिलो, और जैसे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल पिलो, आप लोग का जो पिलो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा, मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है क्योंकि मेरे पास है ये। ओके तो मैं इसको यहाँ पे टर्मिनल को किल कर देता हूँ यहाँ पे। ओके पिलो मॉड्यूल को आप लोग ने जैसे इंस्टॉल हो जाता है आप लोग का पिलो मॉड्यूल, आप लोग पिलो मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लीजिए, कैसे, इंपोर्ट पिलो नहीं, इंपोर्ट फ्रॉम पिलो नहीं, पिलो मॉड्यूल का नाम पिलो है लेकिन उसको इंपोर्ट करते समय हम लोग यूज करते हैं PIL फुल कैप्स में, तो फ्रॉम PIL इंपोर्ट, दो चीजें आप लोग को इंपोर्ट करनी है यहाँ पे, क्या क्या, फर्स्ट वन इज इमेज, ओके एंड द सेकेंड वन इज इमेज TK, इन दो से आप लोग का काम बन जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, इमेज को हम लोग कैसे हम लोग ब्लेड करवाते हैं अपने स्क्रीन पे हम लोग वो देखते हैं। तो इमेज को शो करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले हम लोग को इमेज को ओपन करना होता है, तो सबसे पहले मैं एक दिस वेरिएबल डिफाइन करूंगा, वेरिएबल में इमेज ही ले लेता हूँ वेरिएबल, तो इमेज देखिए गाइस आप लोग जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज मत करिएगा, कीवर्ड्स या फिर जो भी आप लोग ने इंपोर्ट किया है उसी को एज वेरिएबल यूज नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, देखिए आप लोग को यहाँ पे कैपिटल आई था, मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल है स्मॉल आई को लेकर किया है। ओके इमेज इक्वल्स इमेज डॉट ओपन, और ओपन में आप लोग जो नाम है अपने इमेज का जो भी नेम है वो आप लोग दे दीजिए यहाँ पे, जैसे मेरे यहाँ पे इमेज का नाम जो देखिए अनटाइटल्ड डॉट पीएनजी नाम है मेरा, तो अनटाइटल्ड, अगर आप लोग का ये एक्सटेंशन शो नहीं कर रहा है यहाँ पे जो डॉट पीएनजी है या जेपीजी है या जो भी फाइल है आप लोग का, आप लोग को क्या करना है यहाँ पे आप लोग का माई कंप्यूटर ओपन कर लीजिए और यहाँ पे व्यू में क्लिक कीजिए, व्यू में क्लिक करके जो दिस फाइल नेम एक्सटेंशन वाला जो बॉक्स है इसको आप लोग चेक कर लीजिए, और तो इसको टिक कर लेंगे आप लोग, तो क्या आप लोगों जो एक्सटेंशन एक्सटेंशन के साथ है जो भी फाइल होगा तो उस फाइल का नाम एक्सटेंशन के साथ शो करेगा। ओके तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अनटाइटल्ड डॉट पीएनजी, अनटाइटल्ड
डॉट पी एन जी। तो ये क्या करेगा, इसने मेरे फाइल को, इमेज को ओपन कर दिया। इमेज को ओपन करने के बाद हम लोग को क्या करना होता है, इमेज को लोड करवाना होता है। लोड करवाने के लिए मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूंगा फोटो नाम का, फोटो एंड इमेज टी के डॉट फोटो इमेज। ओके, डॉट फोटो इमेज, और इसके अंदर मैं दे दूंगा क्या, जो हमने वेरिएबल पहले डिफाइन किया था, इमेज, जो इमेज हम लोग ने ओपन किया था। ओके, तो मैंने इसको लोड भी करवा दिया यहाँ पे। और लोड करवाने के बाद आखिरी स्टेप क्या होता है, हम लोग को लोड करवाने के बाद इस चीज को अपने स्क्रीन पे ब्लेट करना है, स्क्रीन पे शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को, लेबल से हम लोग करते सब कुछ, टेक्स्ट को हो, इमेज को हो, कुछ भी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इमेज और इक्वल्स फोटो, और डॉट पैक कर दूंगा इसको, इसको बाहर करना है मेरे को, डॉट पैक। ओके, तो देखिए मैं इसको रन करूंगा, हमारा इमेज जो है आ जाना चाहिए। देखते हैं क्या हो गया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी अनटाइटल्ड डॉट पीएनजी। ऐसा क्या होगा, अनटाइटल्ड डॉट पीएनजी, कोई गड़बड़ लगती है, क्या हो गया, अनटाइटल्ड कैप्स का शायद कुछ केस है, कि केस संदर्भ हो सकता है ये, एक बार देखते हैं। नहीं, इस बार भी कुछ एक काम करता हूँ, इसको डेस्कटॉप से हटाता हूँ, इस चीज को डेस्कटॉप से हटा के एक किसी फाइल के अंदर रखता हूँ इसको। मेरा कर्सर कहाँ गया, वेयर इज माय कर्सर। ओके, तो मैं इन चीज दोनों चीजों को हटाता हूँ यहाँ से। ओके, मैं यहाँ पे एक फाइल, एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा, कुछ भी नाम रख दो, न्यू फोल्डर ही रख दो। ओके, इन दोनों के अंदर पेस्ट कर दूंगा, और इस चीज को, इस फोल्डर को, ओ मैंने वीएस कोड में सिंपली एक फाइल को ओपन कर रखा था, इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं रहता। अगर मैं सिंपली डेस्कटॉप को ओपन कर दिया तब भी चल जाता, तो मैं पे इस पूरे फोल्डर को ओपन करूंगा विद कोड, तो ये प्रॉब्लम था। तो ओके, कोई बात नहीं, तो मैंने एक और बार इसको ओपन कर लिया, तो इस बार जो मेरा पूरा फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा वीएस कोड में। अगर आप लोग आइडियली में, आइडियली यूज कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कहाँ पे आप लोग को रखना है, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग आइडियली ओपन कीजिए यहाँ पे, और फाइल में क्लिक कीजिए, ओपन क्लिक कीजिए, और ओपन क्लिक करने के बाद जो आप लोग को ये इंटरफेस मिलता है, आप लोग को यहाँ पे आके आप लोग को कोई भी इमेज है यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आप लोग, तो आप लोग का यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और आप लोग सिंपली इसको यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग को कोई वैसी दिक्कत नहीं आएंगी कि फोल्डर ओपन करना है कि फाइल ओपन करना है। ओके, देन मैं इसको ओपन करता हूँ फिर से डिजिटल क्लॉक, और इस बार रन करूंगा इसको, थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ इसको। ओके, और मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे, देखिए इस बार आ जाना चाहिए, देखिए इस बार आ चुका है हमारा जो ये इमेज है वो यहाँ स्क्रीन पे ब्लेट हो चुका है, लेकिन ये जो हमारा जो टाइम है वो हम लोग को यहाँ चाहिए, लेकिन आ ऊपर रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोग को थोड़ी देर पहले बताया मैंने, प्लेस का यूज करना है। प्लेस क्या करता है, जहां हमें चाहिए वहां दे देता है, हम लोग उसको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं हमें उसे बस। ओके, तो हम लोग वो भी कर लेते हैं, जो हमारा टाइम है, क्लॉक डॉट लेबल दिस क्लॉक, तो क्लॉक का मैं पैक हटाऊंगा यहाँ से और प्लेस करूंगा इसको, प्लेस में देंगे एक्स इक्वल्स, मैं कुछ भी देखे देखते कहाँ पे आता है पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो देखते हैं, रन इट। ओ सॉरी, मुझे क्या करना चाहिए ना, मुझे पहले जो इमेज है उसको पहले करवाना चाहिए, क्योंकि मुझे इमेज के ऊपर अपने टाइम को शो करवाना है, तो मुझे पहले इमेज को करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, रन करते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा अब एडजस्ट करते हैं, हम लोग को एक्स और वाई वैल्यूज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है हमें। एक्स को मैं कर दूंगा 200 एंड वाई को थोड़ा डिक्रीज करना है ना, तो वाई कितना, 80 करके देखते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा इंक्रीज करो, फिर से 90 रखो, और इसको 150 करते हैं। ये ट्रायल एंड एरर से कर रहे हैं, ओके, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ओके, तो हमारा एग्जैक्ट पोजीशन पे आ चुका है। अब मैं थोड़ी सी स्पेसिंग कर देता हूँ इसके बीच में, आर मिनट और सेकंड के बीच में, ताकि जो हमारा क्लॉक में जैसा ऊपर दिया गया है वैसे आ जाए। तो मैं इसके लिए जाएंगे सिंपली, यहाँ पे स्पेसिंग कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसको रन करेंगे, देखिए काफी ठीक हो चुका है हमारा। मैं अगर आप लोग का आर जो है इसको और थोड़ा आगे लाना है, और थोड़ी स्पेसिंग दे दीजिए, जितना स्पेसिंग चाहे आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे। ये चीज काफी अच्छी लगती है एसटीआरएफ टाइम की, कि अपने अकॉर्डिंग जितनी स्पेसेस चाहिए वो भी एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। ओके, और इतना मैंने दे दिया इसको, और थोड़ी सी एक्स वैल्यू को थोड़ा कम कर दूंगा इसको, 130 करके देखते हैं।
या 125 है, परफेक्ट। ओके तो काफी तब ठीक हो चुका है हमारा ये, तो दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट। ओके तो हमारा जो टाइम है, टाइम हम लोग ने यहाँ पे शो करवा दिया, टाइम के बाद हम लोग आ जाते हैं डेट पे। तो हम लोग आप लोग अगर टाइम के लिए पूरा का पूरा लॉजिक समझ आ चुका है तो डेट के लिए आप लोग को करने में दिक्कतें नहीं आनी चाहिए डेट को देखने के लिए। तो डेट हम लोग कैसे करंट डेट जो है हम उसको कैसे हम लोग शो करते हैं पाइथन में, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेट टाइम मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। डेट टाइम फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट, और सिंपली जैसे हम लोग ने किया था strf टाइम, strf टाइम का यहाँ यूज यहाँ भी करेंगे हम लोग। तो डेट डॉट टुडे, अगर इसको आप लोग रन करें तो ये करंट डेट दे देता है, देखिए डेट टाइम डॉट डेट 2020 7 एंड 16। और इसके बाद अगर मैं strf टाइम और यहाँ पे मैं दे दूँ इसको दिस परसेंटेज, फर्स्ट ऑफ ऑल डे देन दिस एंड देन ईयर, देखिए इसने दे दिया हम लोग को क्या किया, वो पूरा का पूरा डेट दे दिया वैसे ना। तो यहाँ पे आप लोग स्मॉल डी दीजिए, यहाँ पे ये केस सेंसिटिव है इसलिए। तो देखिए 16 जुलाई 2020, तो ये ठीक है। तो हम लोग इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी किया मैंने यहाँ पे, और इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा कहाँ पे, टुडे नाम से एक डिफाइन कर देता हूँ, टुडे नाम हो गया एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा डेट डॉट टुडे। और यहाँ पे हम लोग का क्या करना है, जो डेट टाइम मॉड्यूल से डेट ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग को इम्पोर्ट करना है, डेट टाइम इम्पोर्ट डेट। तो डेट एंड डेट टुडे इक्वल्स डेट डॉट टुडे strf टाइम दिस एंड क्लॉक डॉट कॉन्फिग। तो जैसे क्लॉक डॉट कॉन्फिग करता हूँ मैं यहाँ पे सिंपली टुडे डॉट कॉन्फिग भी कर देता हूँ। ओ जैसे मैंने उसको मैंने बनाया नहीं पहले, मेरे को एक लेबल डिफाइन करना पड़ेगा इसी की तरह, तो इसी को सिंपली कॉपी करूँगा यहाँ पे, और मैं इसको चेंज करूँगा क्लॉक की जगह मैं रख दूंगा इसको नाम हम क्या क्या रखें, टुडे 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 डॉट प्लेस थोड़ी सी चेंज करेंगे, प्लेस हम लोग को ये थोड़ा कम चाहिए होगा 50 रख देता हूँ, बाद में एडजस्ट कर लेंगे इसको। एंड देन डे ओके करेंट डे नाम का यहाँ पे रख देंगे, चलो भाई ओके लॉग डॉट एंड टुडे डॉट कॉन्फिग इक्वल्स टेक्स्ट इक्वल्स करेंट डे। तो इसको आप लोग को इफ कंडीशन के अंदर नहीं रखना है, इफ कंडीशन के अंदर रखे भी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, लेकिन वो टुडे डॉट कॉन्फिग बेकार में हर सेकंड में रन होता रहेगा वो, लेकिन उसको होने की जरूरत नहीं कि हर सेकंड बाद बाद तो डेट चेंज होने नहीं वाला है। ओके मैं रन करता हूँ इसको, एकदम एग्जैक्ट पोजिशन पे आके बैठ गया देखिए। तो आप लोग अगर थोड़ी फॉन्ट साइज कम करनी है इसकी कम कर सकते हैं, आप लोग मेरे को लग रहा है फॉन्ट साइज थोड़ी ज़्यादा है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो आप लोग को चाहिए, जैसे आप लोग दीजिए बोल्ड अगर हटाने आप लोग को बोल्ड हटा के इटलिक कर दीजिए जो करना कीजिए। और देखिए हमारा जो डिजिटल क्लॉक है वो पूरी तरीके से बन चुका है। ओके और इसके एडजस्टमेंट आप लोग खुद कर लीजिएगा जैसे भी आप लोग को पसंद हो, जैसे हम लोग ने टाइम के लिए किया था सिंपली उसको डेट के लिए कर लीजिएगा। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोग ने कुछ भी सीखा है उस वीडियो से प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।